मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत को जज्बाती बयान करार दे दिया। कहा, ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके? मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर और अमन अमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बायकॉट के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। लेकिन ताहम गवर्नर राज में होगा क्या, क्या गवर्नर में यह सलाहियत है कि उस सुबह कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मौलवी साहब, वज़ीरे आला बरह-ए-रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास करना। ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ेकार से कोई वास्ता नहीं है। जेएनयू वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी है, अगर उस हवाले से कोई